सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जी, आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये बात करने वाले हम लोग राजस्थान ऊर्जा विभाग के बारे में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है तो ये वीडियो स्पेशली है ITI वालों के लिए और जो ANGN की तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो है ही। अब देखिए, ये पूरे टेक्निकल वालों के लिए, मेन इंपॉर्टेंटली टेक्निकल वालों के लिए क्या है कि टेक्निकल हेल्पर की भर्ती का काफ़ी दिनों से अटकी हुई थी। काफ़ी सारे बच्चे थे जो तैयारी कर रहे थे ITI वालों के लिए, तो ये मतलब गोल्डन जॉब है। इलेक्ट्रीशियन से जिन्होंने ITI किए उनके लिए टेक्निकल हेल्पर एक सपना होता है, ड्रीम होता है। तो फाइनली टेक्निकल हेल्पर की भर्ती का बयान आ चुका है। जी हाँ गाइस, ऊर्जा विभाग मंत्री का ऑफिशियल बयान आ चुका है। JEE AN भर्ती में भी राजस्थान GK को लेकर जल्द अखबार में सूचना आने वाली है, ये भी बयान आ चुका है। तो बहुत जल्द इसकी विज्ञप्ति जारी होने वाली है। सारी सूचना मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। आपको बस करना क्या है, पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है। कोई चीज़ समझ ना आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक करके जाना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले आने वाली सभी अपडेट पाने के लिए। फिर एक और चीज़ है कि अगर ITI के काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं तो उनको अगर आगे स्टडी में हेल्प चाहिए तो उनके लिए भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ और सभी कमेटी की मंत्रिमंडलीय वार्ता हुई थी, जिसमें ऊर्जा विभाग में जल्द ही निकाली जाएगी टेक्निकल हेल्पर की भर्ती। वित्त विभाग से अनुमति ले जा रही, यानी कि इन्होंने क्या करा है, सभी जितने भी पाँचों बिजली विभाग है उनमें इन्होंने सूचना दे दी कि आप जितने भी पद खाली हैं उसके में सूचना दे दी। जैसे ही वो सूचना देंगे तो ये लोग आपको अपडेट दे देंगे। इसके अलावा ANM JNOM की नर्सिंग भर्ती 2013 को भी कानूनी राय ली जाएगी। तो ये सारी बातें महासंघ के उपाध्यक्ष अध्यक्ष उपेन यादव की मौजूदगी में रही। अब जो वीडियो में उन्होंने मैसेज दिया, ये पूरा ऐसा कुछ हवा में बात नहीं कर रहे, पूरा आपको मैं बता देना चाहता हूँ। लाइव कॉन्फ्रेंस ये होती है, किसके साथ होती है, जितने भी मीडिया वाले लोग हैं, ठीक है, जितने भी मीडिया वाले लोग हैं उनके साथ, उनके सामने ये बयान दिया गया। मैं आपको दिखा देता हूँ। रोजगार संघ के प्रतिनिधियों से आज बैठक हुई और उसमें GNM की भर्ती, टेक्निकल हेल्पर्स की भर्ती और अन्य मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। एक तो उनका ये कहना था कि ऊर्जा विभाग की जो भी वैकेंसीज निकली है उनमें राजस्थान में जो है उनके केंद्र हैं परीक्षा के, वो हमने मान लिया है, मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा कर दी थी उसकी। दूसरी उनकी मांग ये थी कि टेक्निकल हेल्पर्स की भर्ती निकालें, तो हमने कहा हमारे यहाँ जितने भी टेक्निकल हेल्पर्स हैं उनकी संख्या कैलकुलेट करके हम वित्त विभाग को मंजूरी के लिए भेज देंगे, जैसे ही वित्त विभाग उसकी स्वीकृति देगा हम उसकी वैकेंसी भी निकाल देंगे। इसके अलावा GNM की भर्ती के बारे में कई तरीके की बातें आई सामने, तो उनको हमने कहा कि इसका हम परीक्षण करा रहे हैं, आप भी, उन्होंने कहा नहीं तो हम कोर्ट में चले जाएंगे। तो मैंने कहा जो आप, आपके भी रास्ते खुल लें, लेकिन सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है इसके। सो दोस्तों, अब आपने देख लिया कि किस तरह से BD कल्ला जी ने अपना बयान दे दिया है कि बहुत ही जल्द टेक्निकल हेल्पर की सारा जब एक बार आ जाएगा कि इतने बाद खाली तो जल्दी विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, कुछ सोचने वाली बात है, और वो क्या है कि यहाँ देखिए, मान लीजिए अगर टेक्निकल हेल्पर की भर्ती आपकी आ भी गई, लेकिन यहाँ देखिए वही फिर से आपका IBPS एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा तो आपको समय नहीं मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का समय भी नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या है, अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तब समय नहीं मिलने वाला, अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। इसके अलावा मैं बताऊं, जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर एक और बात हुई थी, तो VD कल्ला जी ने साफ साफ, ये उपेन यादव जी का बयान है, बोला था कि जल्द ही अखबार वालों को सूचना दी जाए और अखबार वाले एक आधिकारिक बयान जारी करें जिसमें साफ लिखा हो कि 48 नंबर का GK आएगा, किस तरह से सारा पैटर्न रहने वाला है, उसका बयान दिया। तो अब 1 से 2 दिन में अखबार में आ जाएगा, तो आप ऑफिशियली मान लीजिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे अभी भी डाउट में है, ठीक है, काफ़ी सारी यूट्यूब पर वीडियो आते हैं लेकिन बच्चे डाउट में है, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए 1 से 2 दिन में आपके अखबार में सूचना आ जाएगी। जैसी आएगी मैं आपको अपडेट दे दूंगा, प्लस आपके फॉर्म भी ओपन होंगे, तो फॉर्म रीओपन कब होंगे वो भी मैं आपको सूचना दे दूंगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि मेरी वीडियो है और आपको पता लग सके, ठीक है, मैं वीडियो अपलोड करूँगा लेकिन आपको पता नहीं पड़ेगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो भी दोस्त राजस्थान GK की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को बता दूँ, स्टैटिक GK के लिए मैं रोज़ वीडियो डाल रहा हूँ एक एक टॉपिक की, तो उस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि आपको उस वीडियो की मदद से काफ़ी हेल्प मिलेगी, तो वो वीडियो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें। इसके अलावा कोई भी आपका कमेंट रहता है, कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताएं, आपके सभी कमेंट का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।